ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना के दर्दनाक मंजर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। इसी बीच कुछ लोगों की ओर से इस मामले को धर्म से जोड़ा जाने लगा। गौरतलब है कि ये घटना शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन हुई थी। इसी के चलते लोगों ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की। बताया गया कि घटना स्थल के सामने एक मस्जिद है। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो इसे सोची समझी साजिश बता दिया। सोशल मीडिया पर लगातार घटनास्थल की तस्वीरें शेयर कर एक सफेद इमारत को हाईलाइट किया गया। बताया गया कि ये इमारत एक मस्जिद है। आपको बताते चलें कि इस इमारत की कुछ ही दूरी पर रेल की पटरियां बिछी हैं। ये वही जगह है जहां ट्रेन के डब्बे पटरियों से उतर गए और हादसा हो गया। इसी बीच कई ट्वीट्स और व्हाट्सएप मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस बात में कितना सच है ये जानने के लिए हमने भी जांच पड़ताल की। आइए आपको बताते हैं कि इन खबरों में कितना दम है। सबसे पहले आपको बता दें कि घटनास्थल के सामने दिखती ये सफेद इमारत कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। अगर आप इसे गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आपको भी ये बात साफ हो जाएगी। स्क्रीन पर देखिए, ये सफेद इमारत कोई मजार या मस्जिद नहीं बल्कि एक स्कॉन टेम्पल है। इस मंदिर का नाम है बहनागा स्कॉन टेम्पल। इसे आप अपने फोन पर भी सर्च कर सकते हैं। इस जांच पड़ताल के बाद ये साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया पर फैल रही ये सारी जानकारियां महज अफवाहें हैं और कुछ नहीं। ऐसा अक्सर देखा जाता है, जब भी कोई हादसा होता है तो कुछ शरारती तत्वों की ओर से मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाती है ताकि उस हादसे पर चर्चा ना हो, जिम्मेदार लोगों से सवाल ना किए जाए, उनकी जवाबदेही तय ना हो और आमजन की परेशानियों से ध्यान हटाकर राजनीतिक स्वार्थ साधा जा सके। इस मामले में भी ऐसे ही असामाजिक तत्व एक्सपोज होते नजर आए।